મિત્રો આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ હું છું આપની ચૈતી એન્કર પાયલ બામણિયા સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ માં આપનું સ્વાગત છે તો જોઈએ આજના મહત્વના સમાચારમાં લાઈક કરો શેર કરો સબસ્ક્રાઇબ કરો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ હરમે સત્યની સાથે दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया के तहत आडवन के हिसाब से सोमवार से मार्केट को खोला जाना है। उत्तरी दिल्ली निगम के मेयर जयप्रकाश ने संभाली कमान। मार्केटों को खोलने से पहले किया जा रहा है सैनिटाइज। दिल्ली में खत्म हुआ लॉकडाउन और कोरोना के आंकड़े हुए कम। एनसीडी की तरफ से किया जा रहा है मार्केट को खोले जाने से पहले सैनिटाइजर, ताकि कोरोना वायरस दोबारा ना फैल सके। दिल्ली सरकार ने लिया व्यापारी के लिए अनलॉक का फैसला और व्यापारी वर्ग भी यही चाहता था कि जब कोरोना वायरस का प्रकोप कम हो गया है तो व्यापारी को भी व्यापार करने की इजाज़त मिलनी चाहिए, क्योंकि व्यापारी भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे और ख़त्म हो सकते हैं। लगभग 2 महीने से दिल्ली को लॉकडाउन किया गया था। अब दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली की सभी मार्केट को खोलने का फैसला लिया गया है। वहीं इसी कड़ी में एनसीडी ने भी एक फैसले का समर्थन किया है और दिल्ली की सभी मार्केटों को सैनिटाइजर किया जा रहा है, ताकि व्यापारी और मार्केटों में आने वाले लोगों को किसी भी तरह का डर ना हो। इसी के तहत आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश ने दिल्ली के सबसे बड़े सदर बाजार इलाके की सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को सैनिटाइजर कराया, जिससे कि व्यापारी दिक्कत ना हो। और दूसरी तरफ देखा जाए तो व्यापारी भी यही चाहते हैं, पर व्यापारी ओडी1 में समर्थन में नहीं है। उनको लगता है कि ओडी1 में उनका व्यापार नहीं चलेगा। स्पीड न्यूज 17 के लिए मोहम्मद अफरीदी इदरीसी की रिपोर्ट, कैमरामैन मोहम्मद इरदास दिल्ली से। सर, आज आप सैनिटाइजर कर रहे हैं, कल से मार्केटें खुलेंगी, यानी कि अनलॉक किया जा रहा है, क्या मार्केट व्यापारी भी कुछ संतुष्ट है इससे? देखिए, शहर जैसे से अनलॉक हो रहा है तो जो मार्केटें कई महीनों से बंद थी उनको सैनिटाइज करने की हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हमने दिल्ली की जो सबसे बड़ी मार्केट है एशिया की, बिगेस्ट मार्केट सदर बाजार को आज हमने लिया है। शाम तक इस पूरी मार्केट को हम सैनिटाइज कर देंगे। कल हम फरोजबाग में जाएंगे, ऐसे ही आने वाले सप्ताह भर में जितनी बड़ी मार्केट है सबको सैनिटाइज करने का काम किया जाएगा, ताकि कहीं छोटा मोटा संक्रमण अगर बाकी भी हो तो वो भी समाप्त हो जाए। और दिल्ली में जिस प्रकार से नगर निगम के सहयोग से कोविड पर नियंत्रण पाया गया है वो बना रहे।
सर मार्केट के व्यापारी अभी संतुष्ट नहीं है क्योंकि ऑडिबन के सबसे दुकानें खोली जा रही है, वो उनको लगता है कि उनका व्यापार नहीं चल पाएगा। देखिए व्यापारियों की अपनी समस्या है क्योंकि बेचारे 2-3 महीने से बेरोजगार हैं, इससे सरकार को हर चीज को ध्यान में रखकर निर्णय लेना चाहिए। हम व्यापारियों के साथ हैं। क्या आपको लगता है कि दिल्ली सरकार का फैसला सही है? देखिए जो DDM में जो फैसला ले रही है उसको फॉलो तो सबको करना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए करना क्या है। जिस तरीके से ऑडिबन के खिलाफ किया जा रहा है उस तरीके से दिल्ली नगर निगम उसको किस तरीके से देख रहा है, किस तरह से उसकी तैयारी है? नगर निगम ने अपनी सारी तैयारी करके इसी के लिए आज सैनिटाइज का कार्यक्रम शुरू करा है।